क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट नहीं बना पा रहा यार। माय फर्स्ट ब्लॉग टू माय फर्स्ट ब्लॉग। अरब चौकसी और मनोज दे तो नहीं हो कि आप लोग मुझे जानते होंगे। हाँ दीदी सही कहा आपने, मैं भी नहीं हूँ यार, इसलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो यूट्यूब छोड़ दूँ क्या? अजी घंटा अब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हाँ यार मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था बिकॉज होली के शूट उस तरह से नहीं हो पाए थे जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट मैं YouTube क्विट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे YouTube पे आने के मेनली दो बड़े कारण हैं। पहला आप सबको एंटरटेन करना एंड खुशियां बांटना, दूसरा आप सबसे बहुत सारी चीजें सीखना एंड काफी सारी चीजें मेरे बारे में आप सबको शेयर करना। सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए एंड जितने भी फुटेज थे मैंने अरेंज कर बना दिया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज अगर आप लोग यहाँ तक मेरा फुटेज देख रहे हो तो, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। होली कब है? कब है होली? सो ये आज होली है। आज होली है, आज पूनम दिन नहीं आएगी, मतलब तो हमें आज का खाना खुद बनाना पड़ेगा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। तो ये मैं गर्म मसाला निकालते हुए क्योंकि आज हमारे घर पे चिकन बन रहा है। एंड फाइनली मैं और सोनू आज जल्दी जल्दी से खाना बना के फिर बाहर आते हैं होली खेलने के लिए। और बाहर अगर देखता हूँ कि कोई है ही नहीं होली खेलने को, पर तभी It was at this moment that he knew he fucked up. So guys, ये मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि उस दिन पहले ही हमने हड्डी भाई के साथ प्रैंक किया था। पर अब फिर से मेरी बारी। Then finally मेरा विजन। एंड इतना करने के बाद भी मैं इन दोनों को फिर भिंगा देता हूँ। ये कंकाल वाले मास्क पहनकर मुझे लगता है इन दोनों को फिर से भिंगा देना चाहिए और मैं इन दोनों को दोबारा भिंगा देता हूँ। फिर मेरे होली खेल लेने के बाद ये दोनों अनमोल चोमू मेरे घर पधारते हैं और कुछ ये कहते हैं। खेल लिया तुम रे, कैसा आदमी है, कैसे छूट गया? फिर ये जादू अंदर बैठ कर अपने महंगे आईफोन में सस्ते गेम्स खेल रहा होता है और ये कंकाल पहन के किलविज बन रहा होता है। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर जादू उठ कर नाचने लगता है। मजा नहीं आ रहा है। और फिर हम अबीर खेलने के लिए जाते हैं और मैं इसे खुला ऑफर देता हूँ मुझे अबीर लगाने को। और फिर मैं इसे खूब दौड़ाता हूँ। फिर मैं इसे ट्रैप में फंसा लेता हूँ। निशांत और सोनू मिलके इसे खूब सारा अबीर देते हैं जो कि इसने कभी सोची नहीं होगी। और फिर हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये मेरी नानी है, ये मेरे नाना जी और गाइस ये मेरी मम्मी है। और ये सोनू आशीर्वाद लेता हुआ और ये हमारे हड्डी भैया। बेटा साफ सुथरा दिख रहे हैं ना? साफ सुथरा कैसे दिख रहे हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। और ये मेरी जान मेरी कुचू है जो सबको आशीर्वाद दे रही होती है। देखो इन्हें ये है उसकी बूंदे। और फिर हम सब लोग डांस के नाम पर कुछ ये धमा चौकड़ी करते हैं। और फिर ये मास्क पहनते वकील भैया, हड्डी भैया, ये मेरी मौसी है। फिर हम लोग पत्रकार बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। फिर मैं अपने घर में सबसे पूछता हूँ अपने YouTube चैनल के बारे में। कैसा लग रहा है कि मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है? बहुत अच्छा। फिर मैं अपनी कुचू मेरी माँ से पूछता हूँ। कुछ लोग देख लिए, लाखों लोग अगर देख लिए तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा? अच्छा लगे यार, कैसा लगे? आशीर्वाद दीजिए हमको जल्दी से ताकि हमको भी सुंदर सी गर्लफ्रेंड मिले, ठीक है, नौकरी लगने के बाद। क्या बोला तूने?